आरा शहर में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराज सुनाथ जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत रामगढ़िया में भगवान श्री राम और संत श्री देवराज सुनाथ जी महाराज की महाआरती से हुई। महाआरती के बाद संत श्री देवराज सुनाथ जी महाराज ने रामगढ़िया में शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, राम जी का रूप दिखाते चलो, राम जी का जन्मदिन मनाते चलो, राम जी के नाम को जगाते चलो। संत श्री ने आगे कहा कि भगवान राम एक ऐसे शासक थे जो अपने प्रजा का औरश पुत्रों की तरह पालन करते थे। उनके राज में सभी जीव सुखपूर्वक और प्रेमपूर्वक रहते थे। भगवान राम का आदर्श और चरित्र यदि जीव थोड़ा सा भी अपना ले तो उसका जीव का उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम के समान सील के भंडार स्वामी और कहीं भी नहीं है। अतः यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। संत श्री ने आगे कहा कि एक लकड़ी हृदय है और एक लकड़ी भगवान राम का नाम, जैसे दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी तरह से भगवान राम का नाम लेते रहने से राम प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम बाद जय श्री राम के गगन भेदी उद्घोष के साथ यह भव्य शोभा यात्रा रामगढ़िया से बड़ी चौक, गोपाली चौक, जेल रोड, शिवगंज, बड़ी मठिया, महादेवा, धर्मन चौक, चित्रटोली रोड, रमना रोड, महावीर टोला, करमन टोला, नवादा स्टेशन रोड, एसपी कोठी, ब्लॉक रोड, कतिरा, पकड़ी चौक, जज कोठी होते हुए रमना मैदान पहुंची। वहीं इस दौरान समिति के सचिव सुधीर जी, रथ सजावट प्रमुख अनिल जी, उपाध्यक्ष सह ग्रामीण अध्यक्ष सन्नी पांडे, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, शहर सजावट प्रमुख बादल जालान, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, अशोक तिवारी, बच्चू जी, उदय आनंद, नवीन प्रकाश, स्टार प्रचारक सरोज पांडे सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जय श्री राम, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा की भक्ति गीतों पर राम भक्त थिरकते रहे। वहीं सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर महिला पुरुष पुष्प वर्षा करते रहे। जगह जगह राम भक्तों ने भगवान श्री राम की आरती कर रहे थे। जगह जगह राम भक्तों के सेवार्थ विभिन्न जगहों पर पानी, शरबत, मिठाई, हलवा आदि का प्रसाद राम भक्तों को खिला रहे थे। समिति के महासचिव शंभु प्रसाद चौरसिया ने कहा कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। इस बार की शोभा यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी राम भक्त शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं प्रशासन और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। शोभा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, इन दोनों ने संत श्री देवराज शिवनाथ दास जी महाराज के चरणों को स्पर्श कर अपने और समस्त जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। जसवंत जो झारखंडी बाजा है उसको मंगाया।
आरती के बाद में रथ चल दिया है, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं और देखिए पूरा राय। अब की बार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंतजाम किया है जो कि बीच में से रोक दिया है, कोई गली से आदमी नहीं। जय श्री राम।
चली।